पावर स्टार पवन सिंह के साथ फिर से विरोधी पार्टी ने खेल दिया बड़ा खेला और माने लगाए एसडीएम से गुहार। तो क्या खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसा अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप पूरा जरूर देखिए। देखिए विरोधी पार्टी की जहाँ तक की बात की जाए तो जहाँ तक की बात है कि पावर स्टार पवन सिंह को हमेशा देखा जाए तो इस बार चुनाव लड़ने से मना ही करते चले आ रहे हैं। लेकिन पावर स्टार पवन सिंह की मां ने देखा जाए तो एसडीएम के साथ क्या गुहार लगा रही पावर स्टार पवन सिंह के फैंस भी जानना चाहते हैं। तो वैसे मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पावर स्टार पवन सिंह दो नामांकन भरे थे, पहला अपने नाम से भरे थे और दूसरा अपनी मां के नाम से भरे। बेशक आपको पता है कि निर्दलीय प्रत्याशी होने के नाते अगर उनका नामांकन रद्द हो जाता है तो पावर स्टार पवन सिंह अपने माँ के नाम पर देखा जाए तो सांसदी लड़ सकते हैं। बेशक अगर वो अपने ही नाम से भरते अगर उनका रिजेक्ट हो जाता तो हर हाल में इनको बैठना पड़ता, चुनाव नहीं लड़ पाते, इसलिए पावर स्टार पवन सिंह ने देखा जाए तो डबल चाल खेल चुके हैं। तो बेशक मैं आपको बता देना चाहता हूं कि पावर स्टार पवन सिंह का अगर नामांकन रद्द होता है तो अपनी मां के नाम से लड़ सकते हैं और अगर मां के नाम का रद्द होता है तो पावर स्टार पवन सिंह अपने नाम से सांसद लड़ सकते हैं। काफ़ी फैंस लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह ने क्यों अपने मां के नाम पर नामांकन किया। तो बेशक यही चाल को ख़त्म करने के लिए पावर स्टार पवन सिंह ने खेला है। तो बेशक आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करिए और मिलते हैं आपको अगले वीडियो के साथ।